रमजान का महीना शुरू होते ही दुनिया भर के लोगों ने हज यात्रा के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। कोविड के कारण 2 सालों से सऊदी अरब ने विदेशी यात्रियों की हज यात्रा पर प्रतिबंध लगा रखा था। इसे ध्यान में रखते हुए सऊदी अरब की सरकार ने जानकारी दी है कि इस साल हज यात्रा के लिए विदेशियों के अधिक मौके दिए जाएंगे और स्थानीय लोगों की अपेक्षा विदेशियों को अधिक तरजीह देते हुए विदेशी हजियों को फीसदी अधिक रहने की बात कही है। वहीं आपको बता दें, स्थानीय न्यूज़ चैनल अल अरबिया से बातचीत करते हुए हज मंत्रालय के प्रवक्ता हिशाम सईद ने जोर देकर कहा है कि सभी देशों के नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के हज में भाग लेने की अनुमति होगी और एक तरीके से भारत के भी हज यात्रियों को उन्होंने पूरी तरीके से छूट दी थी। लेकिन आपको बता दें, कुछ हज यात्री जो है छूट के बावजूद भी जो है वो ऐसी हरकत कर जाते हैं कि सऊदी अरब को 300 हाजियों को गिरफ्तार करके उनके ऊपर 2 लाख का जुर्माना ठोकना पड़ा है। दरअसल आपको बता दें, सऊदी अरब खाड़ी देशों से पहले ही कह दिया गया है कि बिना परमिट के यात्रा करने वाले हाजियों को गिरफ्तार कर उनको जुर्माना लगाया जाए। बावजूद इसके सैकड़ों लोग बिना परमिट हज यात्रा करने पकड़े गए। सऊदी अधिकारियों ने ऐसे लगभग 300 लोगों को गिरफ्तार किया गया जो बिना परमिट हज यात्रा करने की कोशिश कर रहे थे। आपको बता दें, समाचार एजेंसी AFP के रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अधिकारियों ने सोमवार को जानकारी दी है कि सभी गिरफ्तार किए गए लोगों पर जुर्माना लगाया जाए। हज सुरक्षा के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अल बसामी ने सरकारी मीडिया पर प्रसारित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि कुछ 288 नागरिकों और निवासियों को हज नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल ने बताया है कि सभी लोगों पर 10,000 सऊदी रियाल 2,10,663 रुपये का जुर्माना ठोक दिया गया है। बसामी ने कहा है, इतनी बड़ी संख्या में बिना परमिट यात्रियों में मक्का में प्रवेश को लेकर सुरक्षा व्यवस्था को एक और कड़ा कर दिया गया है। मक्का के ग्रैंड मस्जिद के चारों तरफ सुरक्षा घेरा बना दिया गया है। उन्होंने कहा है, 69,000 से अधिक वाहनों में लगभग 1 लाख लोगों को प्रवेश करने से फिलहाल के लिए रोक दिया गया है। सऊदी अरब इस साल 10 लाख लोगों की हज यात्रा की अनुमति दे रहा है। कोरोना वायरस महामारी कारण 2 सालों तक सऊदी अरब ने विदेशियों की हज यात्रा पर पाबंदी लगाई थी। इस बार विदेश में 8,50,000 लोग सऊदी हज यात्रा पर जा रहे हैं। सऊदी अधिकारियों ने बताया है कि रविवार तक शाम में करीब 6,50,000 लोग हज के लिए विदेशों से पहुंचे हैं। हज यात्रा आधिकारिक तौर पर बुधवार को शुरू होगी, लेकिन हाजी सोमवार से ही धार्मिक कर्मों में लगे हैं। आपको बता दें, इस बीच 300 लोग करीब जो है वो बिना किसी कागज़ के और बिना किसी परमिट यात्रा के हाजी जो है हज यात्रा करने पहुंच गए थे, जिसके बाद उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। ये बड़ी खबर निकल के आई है। आपको बता दें, सऊदी की सरकार ने इस बात को जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 300 को गिरफ्तार करके 2 लाख का जुर्माना भी ठोक दिया गया है। फिलहाल कमेंट के माध्यम से आप अपने सुझाव देना ना भूलें। पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।